वहीं शिवपुरी जिले की नरवर तहसील अंतर्गत काली पहाड़ी के पास सिंध नदी में 52 साल बाद धार महादेव के दर्शन हुए हैं। आपको बता दें कि सिंध नदी में कालादाह नाम से जलभराव गहरा कुंड है और सिंध नदी में जलभराव वाला यह क्षेत्र वर्ष 1970 में सूख गया था। उस समय यहां नदी के बीचों बीच एक ही पत्थर पर प्राकृतिक रूप से मौजूद प्राचीन समय से शिवलिंग की पूजा अर्चना के साथ ही जलाभिषेक किया गया था। बताया जा रहा है कि इस वर्ष भी पानी सूखने के कारण प्राकृतिक रूप से बने इस शिवलिंग के स्थानीय श्रद्धालुओं को दर्शन हुए, जिसके चलते आसपास के ग्रामीणों ने दर्शन होने के बाद धार महादेव की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। जानकारी के अनुसार वैसे तो यहां बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टान मौजूद है, लेकिन इस पत्थर की आकृति प्राकृतिक रूप से शिवलिंग की तरह ही है और नदी के बीच में मौजूद है, इसीलिए इस स्थान को ग्रामीण लोग धार महादेव के नाम से पुकारते हैं। आज हम ग्राम पंचायत काली पहाड़ी तहसील नरवर से हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद है। हमारे पूर्व बताते थे ये बहुत बड़ा नदी सिंध नदी है, तो यहाँ पे सन 70 में कभी सूखा पड़ा था, उस समय हमारे ये धार महादेव उनके दर्शन हुए थे। आज 2024 में भी सूखा पड़ा है, तो आज हमको भगवान शिवलिंग के दर्शन हुए। आज हम ग्राम पंचायत काली पहाड़ी के सभी लोग यहाँ पे एकत्र हो गए, भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि भगवान शंकर की पूजा अर्चना हो, यहाँ पे विशाल मंदिर का निर्माण हो, जिससे हमारा ग्राम पंचायत काली पहाड़ी धारमांड सरकार के नाम से जाना जाए, तो हमारे बड़े भाग होंगे।